हलि बना जा रिटे सामलाबो ना सेलै मानांबालै सेगो माने नोब्रा हामिया हामिया आंगो सामलै थंबाय गबाय गुड इवनिंग आप सबिगो आज तो हम लोग सोच रहे थे बैडमिंटन खेलेंगे लेकिन नहीं हो पाए। स्वीट पोटैटो पहले बॉईल कर लिया था और तो अभी इसे मैं थोड़ा रोस्ट करूंगी। अभी शाम का चाय पीऊंगी, शाम का चाय इन द सेंस तो ग्रीन टी पियेंगे लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं आज दूध चाय पीऊंगी। दूध चाय पीने का मन कर रही है और हस्बैंड गया हुआ है बाहर थोड़ा सामान लाने तो वो आएंगे। उसके पहले मैं सोचा मैं रोस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, गर्म गर्म खाने में पूरा मुंह जल जाता है तो पहले रोस्ट कर लेती हूँ और हस्बैंड आते आते ठंडा हो जाएगा। ये तीन पीस एक्चुअली मैंने ज्यादा बॉईल कर लिया, तीन चार सीटी देने से ही होते कुकर में लेकिन शायद से मैंने पांच बार के आसपास सीटी दे दिया जिससे इसका पूरा छिलका ही निकल गया है। फिर भी रोस्ट करेंगे तो पानी पानी कम लगेगा। और हस्बैंड आते आते ठंडा भी हो जाएगा। देखिए दुआ हस्बैंड इतना लेट हो गया जल्दी आएंगे बोला, अभी 7:20 हो गया। कब का मैंने स्वीट और पोटैटो रोस्ट करके रखा आपके लिए और इतने लेट से आया क्यों पता है? क्यों बोला? ये वो सर ने खुशी वो ओशा सब शीशे मेरा घर का बैटर खत्म हो गया था, मैं तो भूल ही गई उसके बारे में, मुझे लगा इतना लेट क्यों हुआ। ये बिस्तर कभी ठीक नहीं होगा, दिन में ठीक किया, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, दिन में ठीक किया, बेडशीट चेंज किया। दादू बा कदा इन लपका क्लास फॉर अ न्यू ब्ला हाय नया हेलमेट अम डाला को तोते डाला को यहां ना लाच पुला मैं उठे ले ना इतना इतना लामा ला हो रहा ला और तो को पैसा करे हाय मैं चले डांस चले आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। मैंने बोला कुछ दिनों के बाद ले लो, जनवरी में ले लो, अभी इन दिनों घर भी गया और बहुत सारा सामान खरीदा है तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो गया है। लेकिन मेरे बात कहाँ मानेगा, कहाँ सुनेगा मेरा हस्बैंड? हाँ आए वो दिन इतना चिट्ठिया पसंद किया चला ब्रो चला और ये रोस्टेड पोटैटो कुशन आते या सिर्फ आया ही है और ये वाला यहाँ पहुंच गया क्यों? ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है ये क्यों यहाँ पहुंच गया? रीजन है सोना है, पहले तो वहां का पिलो यहाँ पे रहता था, अभी तो ये कुशन यहाँ पे रहेगा है ना इसमें ना ना दे हमको क्या पता था ये देन से शिकल ला या जाएंगे वो ऑरेंज पूरा के वायरल में रहना हो अब वो ऑरेंज है या नहीं तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग चिकन किसके साथ खाएंगे और हम खाएंगे ये छोटू मोटू छुटकू सा पम्पकिन के साथ। देखिए इतना छोटा सा ये मैंने मंडे को खरीदा था 20 रुपीज में, देखिए 20 है इसमें, हम तीनों है सिर्फ तो तीनों के लिए हो जाएगा, छोटा फैमिली के लिए। बड़ा लाने से 2-3 बार काट के रखना पड़ता है तो ये छोटा है तो एक बार में एक आइटम हो जाएगा, मतलब बार बार काट के स्टोर करना नहीं पड़ेगा। तो ये छुटकू सा पम्पकिन बेन काटने का भी टेक्निक दिखा देती हूँ जो मैंने टेक्निक सच्ची में ये मैंने शादी के बाद सीखा है, ये वाला मैंने शादी के बाद देखा है, हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं काटते है। थाई भाई नहीं बैठा ना इसमें ना थोड़ा ये क्या बोलते हैं
रफ रफ इसमें ये डंडा में अगर रफ रफ थोड़ा होने से वो ज्यादा टेस्टी होता है बोलते हैं। ये थोड़ा स्मूथ है, पता नहीं फिर भी ये टेस्टी होगा या नहीं, देखे तो लग रहा है टेस्ट होगा। और यहाँ कैसे छिलते है वो पहले दिखाते हैं। नींबू तो मैं बोल देती हूँ, रुको। हाँ, हमारे यहाँ मतलब हाँ, मैं मुझे जितना पता है या बचपन से मैं जैसे कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ ना, रुको ना। इसको पहले हम लोग काट लेते हैं, काट के फिर सिल्का उठाते हैं, वो ज्यादा टफ है। ये होल बॉडी अभी जो ऐसा है, हस्बैंड जो अभी छील रहा है ऐसा वाला ज्यादा इजी होता है। ये चाहे पम्पकिन हो या व्हाइट पम्पकिन हो या लाव हो, ये इजी प्रोसेस है जो मैंने शादी के बाद गंजुंग जाके सीखा है। वरना मैं बचपन से ही, मैं तो जब से मतलब मुझे नॉलेज है या मैं खाना बना रही हूँ, मैं तो काट के ही छिलती हूँ। ऐसा मैंने एक बार भी नहीं किया बिफोर मैरिज। ये इजी प्रोसेस है। तो देखिए पम्पकिन अभी गोलू मोलू हो गया, इसका स्किन उठा लिया, अभी ये नेकट हो गई है। लंगटा हो गया। क्या उड़ाई ना? हम दो हम भी ओके बिशिंग में ठावाई कर दो। थोड़ा नियाबा मागी ठोको नियाबा मागी माब्रिल लप्पा हस्बैंड डोंग ला दू ब्रावे आंसर के ब्रेक ब्रेक नंबर लाइयो माया जोने किंडर दे कपलू ये अलग हवा के स्मिथ गोंजों का बाजार दिखा अभी रिजार्ट दूसरे के रंग से हनंग दो जिंग थंग दू 6:37 दोड़े माइशिंग बनी के चले जा दो दो चुप अगर शी लास्ट थंग बा जिंग 7:30 ने आसपास थंग बा चुप उल बहा नोले नी फायरों डे फायदू को सामने ला बेराओ और गों नी नोले शंपादा बेराओ नी फायदा दू बा जिन गंजुंग गंजुंग निश मुंग प्राइन मने लाभ दू सामने होली बाना जरूरत है सामने वो ना शैले मनंग बले शेगो रिक्शेले दू शैले मनंग दू और ब्रिज के ला हड्डी शरू फाइम में गिवन जरी फाइम में आजी मासा जंग ठोकों जंग रिहा ठुडम जी जंग रिहा बुशी शेरिंग दाउ बुडे आने बुडे उल बारे जाहिं भी खो बार्गेनिंग बुशीशे खाई दाउ उल्डे है आरो ना जादु बसा बसा फाइगरी दो दिमासा का मने गिबन जादी के हागर दादा दिमासा रोबो दिमाजुरो दों गठाम बिरी हाफलोंग अलाब मने कंग हनिंग इदे कबाव क्रिप्टर लादो मने बुनी गजा से बोप राइटर का उलिए उलिए चारे दा कबाव सामलाई निंग खाई दादा थांगा चिकम सामलाई मैया जालाई दुगो बन केप्रेन गब्रे थांगा दा काजन मनांग दु चिमले ब्राइजरो दे माइम नान दु नियाला इब्रे हाफ मने गोंजुंग नि ग्राउसि निया दो आनि कुमाचुरा आबो जिनि कुमाचुरा आबो ना जादु चिकेदे टाइगर राव ना जुग्राहानिं थांगदु दुइटा तिनटा हरनि उलिया थांगा दा कुमाचुरा बाजारा सामलाई माइ जे गजा जादु মানে ওরা পং ডাইরেক্ট মানে যে নলে পং যাই না দাদা গাড়ে জিনাম ঠিটো আইবি ঠিটো ওরা থাং দাদা লাভ থার দুমাই যে জালাংলা তো খুব বাবু সেম প্রবলেম জানাই দুছ বাংলা দ গঞ্জুঙা দং মানে গঞ্জুম কে নুবান ছলাবা কুমাসরা নি বানি কুমাসরান কে ব জিনিস কে নুবান নি ছলাবা বানি বাজার থাং বাবু সামনে ব্রেম থাম বব ছলাই মানা লাং লাং লো খাইন দি চিকেন হাজবেন্ড কুকে মে হেল্প করো জেলা নি কে কোন मैं अगर बोलती मैं अकेला नहीं सकती तो अभी मैं उसके ऊपर फायर हो जाता क्योंकि जब से गंजुंग से आई हूँ आज संडे है ट्यूसडे को रिटर्न हुई थी हम लोग वेडनेसडे से एक बार भी मैंने चिकन में ऑलमोस्ट गिन के शायद एक बार या दो बार बनाया होगा नहीं बनाया ये ठीक हो रहा है तब पैसे बनाओ वैसे जो स्क्वाश लाया अब तो देखो बोला था कि एक बार बोल करके खाऊंगी तो उसको तो एक बार निकल में काट दूंगी बोल करूंगी
हमारे चिकन रो, दो लेग पीस पका रही क्या? तो ये जो अभी स्क्वाश का छिलका मैंने रखा है इसे मैं अलग सा बकेट में रखती हूँ और नीचे ले जाके जहाँ पे हमारा कुकिंग का गार्डन है वहाँ पे डालती हूँ डिकम्पोज होने के लिए, और जो मतलब खाना रह जाता है या बाकी जो वेस्टेज है उसको अलग से रखती हूँ, खुरा वाले को दे देती हूँ, और ये वाला तो यहाँ पे डिकम्पोज करती हूँ। तो अभी मैं इसको जा रही हूँ बाहर बकेट में डालने। हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है। क्रेडिट गोज टू माय डियरेस्ट हस्बैंड। ओए लेग पीस सर इजमा निंजमा नंजमा इस लहर सुबह से रेगा। ओ दिस है हो जाए उसे से। तो हस्बैंड ये खत्म गार्निश कर दिया। ये क्या स्टाइल है? नंजमा घबरा रहा हूँ का स्टाइल है। अभी जल्दी जल्दी से हम लोग खाना खा लेंगे। हस्बैंड को मैं चुरा रही हूँ। हस्बैंड बोल रहा है वो लेग पीस खाएगा, जो सबसे यहाँ पे बड़ा है वो लेग पीस खाएगा। और घर पे जो सबसे छोटा होता है उसको मिलता है। यहाँ पे उल्टा। तो हमारा खाना निकाल लिया है मैंने खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम खाना ही ठीक है विंटर में। खाना बना के रख देने से भी ठंडा होने से बाद में खाने में अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं लगता। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।